Actually, honestly, we are very, very excited for season 3, especially because we've had so much fun making it. The first two seasons were great, but I personally love this one because it has so much more in the show. There are so many fun elements, and the director of our show, Abhinav, has done a phenomenal job. He's added his own touch to it, which is why, like, I feel like so cool. आप देखोगे मुझे, क्योंकि मैंने दो बार ऑलरेडी देखा है और दो बार देखने के बावजूद मैं हर दो मिनट बाद हंस रही हूँ. इनफैक्ट मैंने अपनी मम्मी के साथ बैठ के देखा और वो भी हंस रही है. सो आई एम श्योर लाइक ऑल ऑफ यू विल लाइक इट. देयर आर लॉट ऑफ सरप्राइजेस इन द शो. वी रियली वर्क हार्ड फॉर इट. यस आई थिंक यार ये सीजन 3 जो है दिस इज द थर्ड ईयर ऑफ देयर इंजीनियरिंग लाइफ. तो इसमें जो स्टार्टिंग से आपको एक कल दिखेगी एक मैच्योरिटी है हमारे कैरेक्टर्स के अंदर जो हम सीजन 1 में देखते हैं उससे लेकर अब तक थर्ड ईयर में. एंड विथ दैट थॉट थोड़ी सी हमें ऐसे कॉमिक टाइम भी अच्छा रखना होता है साथ में. तो ये दोनों का जो इस बार वी हैव स्मूथली टेकन अ ट्रांजिशन फ्रॉम टोटल क्यूटियापा जोन टू अ स्लाइट बिट ऑफ ड्रामा. एंड ऐसा फोर्थ ईयर के लिए जो नेक्स्ट सीजन आने वाला है उसका कुछ हिंट कि क्या हो सकता है आगे, क्या होने वाला है इन द फिनाले एपिसोड. एंड यार दिस सीजन इज स्पेशल बिकॉज फॉर सो मेनी रीजंस. आई थिंक दिस इज माई फर्स्ट प्राइम शो एंड द sequel of one of my very favorite shows. Kyunki I myself is an engineer and main khud ek civil engineer hu and usme jo ek character hai hamara Ankit wo bhi ek civil engineer hai. To main relate kar raha tha. I think that was a part. And yes, do watch out for her. Ye to har show ki baat hoti hai I think, but ha isme I think aapko ehsaas ka ek bahut hi fun zone dekhne ko milega. Mazaa aayega. Trailer, I think you literally barely scratched the surface in the trailer. आप शो देखेंगे आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ें हैं. देर आर सो मेनी मोमेंट्स इन द शो विच आर माई पर्सनल फेवरेट. एंड देन देर ऑब्वियसली वी सी राजू श्रीवास्तव सर इन द शो एंड वी आर जस्ट रिमेंबरिंग हिम. इट वी आर missing him a lot. I mean, I hope everybody likes it. So there are a lot of moments that you will really like in the show. जैसे कि ट्रेलर में काफी मस्ती देखने को मिली है. पोस्टर में होता है काफी इसके बारे में बताया है. तो इसको देख के अपने कॉलेज की याद आ जाता है. तो आप बताना चाहोगे किस तरह शूटिंग के दौरान किस तरह कॉलेज की याद आई कुछ? हाँ, मतलब थर्ड ईयर जब आप देखोगे ये और अगर आप एक इंजीनियर हो तो डेफिनेटली आपको वो चीज़ें दिखेंगी जो थर्ड ईयर स्पेसिफिक है. ऑफकोर्स देर आर सो मेनी मोमेंट्स. आई फील एवरीबडी इज गुड टू रिलेट जो भी हॉस्टल में रहे हैं. मैं पर्सनली हॉस्टल में कभी नहीं रही हूँ क्योंकि फॉर व्हाटएवर रीजन. बट मैंने अपनी हॉस्टल लाइफ इस शो के जरिए जी ली है. बट जो कॉलेज में मेरे साथ होता था दोस्तों के साथ, आई फील लाइक पीपल शुड वॉच दिस शो विद देयर फ्रेंड्स बिकॉज दे विल लाइक इट एंड एन्जॉय इट मोर. दे विल फील नॉस्टैल्जिक. इट्स वेरी रिलेटेबल और रॉ है. तो कहीं भी हमको ऐसा नहीं लगता कि ये कमर्शलाइज किया है या इसको थोड़ा यू नो इसको एज अ शो बनाने की कोशिश की. आई थिंक जो होता है हॉस्टल लाइफ में वही बहुत अच्छे से दिखाया है. सर ने बहुत बढ़िया उसको निकाला है. वो ऑडियंस का भी अभी हम अर्ली रिव्यूज देख रहे हैं तो पॉजिटिव रिव्यूज काफ़ी अच्छे लग रहे हैं. एंड इसमें एक फ्लेवर जो हमने डालने का ट्राई किया जैसे थर्ड ईयर में जाते हैं तो जो बातें हो रही है इसमें और जो कॉन्वर्सेशन है पर्टिकुलर ईयर जब ये थर्ड ईयर में आ गए तो उनके जूनियर जो आए हैं जो फर्स्ट ईयर में हैं जिनकी सेकंड ईयर वाले शायद ड्राइविंग ले रहे होंगे या फिर नहीं ले रहे होंगे जो पीछे स्टोरी चल रही होती है तो उसका जो असर होता है इन पे इसके यूनियन में क्या होता है वो सब ऐसे ब्रीदी बातें चल रही होती है. तो काफ़ी रॉ टाइप का फील आएगा कि हाँ ये एग्जैक्टली ऐसी बात मैं बोलता था शायद. और हमारे राइटर्स ने बहुत बढ़िया काम किया आई थिंक इस पर. उन्होंने काफ़ी रिलेटेबल चीज़ें लिखी हैं. काफ़ी उसको होलसम रखा है, एंटरटेनिंग रखा है, बट एट द सेम टाइम you feel really like emotional also at the same time. What were the comments and DMs from the audience? There were so many DMs. जैसे हमने टीजर डाला था उसी टाइम से था. एंड वन ऑफ द मोस्ट कमेंटेड थिंग कि राजू सर है इसमें एंड वी ऑल आर सो एक्साइटेड कि राजू सर का काम फिर से शायद देखने के लिए मिलेगा. एंड हमारे भी वो बहुत मतलब मेरे पर्सनल वो बहुत मेरे लिए बहुत स्पेशल मोमेंट था जब मैंने उनसे शेयर किया था. एंड वो इतना मतलब दैट वाज जस्ट वन डे जब मैं उनके साथ काम कर रहा था एंड वो एक दिन की मेमोरी मुझे ऐसे मिनट बाय मिनट याद है उनके साथ. इतना अमेजिंग था उस वक्त हमें एकदम भी
कुछ भी नहीं होता था शायद अभी लास्ट बार मुझसे ज़्यादा काम कर रहे हैं, बट हम वापस देखने में वही में मेरी मैं खुद ही इतना इमोशनल रहता हूँ। वो पर्टिकुलर वो एपिसोड जिसमें आते हैं वो एपिसोड ही काफ़ी स्पेशल है मेरे, तो काफ़ी ऐसे कमेंट्स और क्या नाम है अलग अलग इसमें ट्रांजिशन वाली ऐसी बात मैंने बताई कि पहले सिर्फ कॉमेडी हमने देखा है इसमें, अभी हम थोड़े से ड्रामा की तरफ शिफ्ट हुए हैं लास्ट में क्योंकि मैच्योर हो गए हैं हल्के हल्के कैरेक्टर हमारे, अब सिर्फ ऐसे टाइम पास नहीं करते, वो थोड़ी गहरी बातें भी कर जाते हैं आपस में जो दो दोस्त करते हैं, तो वो सबको पसंद आ रहा है। आई थिंक पूरा शूट ही हमारा बहुत स्पेशल था क्योंकि जब आप दोस्तों के साथ शूट करते हो तो आपको बहुत मज़ा आता है इन जनरल। हम ये एक डिफरेंट सिटी में हमने ये शूट किया था तो हम रहते भी एक सेम बिल्डिंग में थे, हम होटल साथ आते थे, काम पे साथ जाते थे और हम सब दोस्त मिलके, तो मुझे कॉन्स्टेंटली मुझे रिमाइंड करना पड़ता था कि मैं काम पे हूँ, मैं काम पे हूँ, मुझे आज के पैसे मिल रहे हैं तो ये कहते हैं। और हॉस्टल वाइब मेंटेन रखना होता है, मेमोरीज तो पूरी है। एक स्पेशल मेमोरी एक हम लोग नाइट शूट कर रहे थे हॉस्टल में ही और वो वर्किंग हॉस्टल था, ऐसा नहीं था कि छुट्टी थी, वहाँ पे लोग रह रहे थे जो सीजन 1 सीजन 2 देख चुके थे और हमारे सीन्स वहाँ स्टार्ट होने वाला था तो उनको पता चल गया कि ये सीन स्टार्ट होने वाला है, दे गॉट वेरी एक्साइटेड कि हम भी शूट का पार्ट रहेंगे, हंसेंगे। वो वहाँ से गाना शुरू किए जो कि थोड़ा बहुत हमारे शूट को इफेक्ट कर रहा था, फिर हम उनके पास गए, उनको बताया कि गाना गाना तो हम गाते हैं साथ में, फिर हम सब मिलकर उनके साथ गाना गाए, प्रॉपर 5 मिनट का गाना वाना हुआ है, फिर वो गए अंदर, फिर हम शूट कर पाए। तो सब यहाँ पे भी गुनगुनाए, मतलब वो तो अरे मैं बंद कर देंगे सब, वही इसी वक्त वीडियो बता रहा हूँ यार। वो गाना कौन सा था, वो जुम्मा जुम्मा था वो, अब मेरे साथ निखिल होगा ना तब मैं, हम दोनों साथ में गाते हैं वो जुम्मा जुम्मा, अरे अभी आएंगे ना हमारे सिंगर, मैं यहाँ पे लेके आऊँगा पक्का करेंगे, आप जो गवाना गाओ बहुत अच्छा गाएंगे, मजा आएगा। जुम्मा चुम्मा यही है एग्जैक्टली, जुम्मा चुम्मा दे दे जुम्मा, ये चला था 2-3 बार। हाँ हाँ स्टोरीज में है ये, मेरे हाइलाइट्स में दिखेगा। हमारी टीम में ना अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग अलग अलग डिपार्टमेंट में लोग भरे हुए थे, तो हर इंसान अपने पर्टिकुलर काम के लिए रिस्पॉन्सिबल था, है ना, तो ये इस चक्कर में हर एक इंसान उतना ही हार्डवर्क कर रहा था वरना ये शूट कंप्लीट ही नहीं होता, ये इतने टफ स्केड्यूल हम किए। अगर एक भी इंसान कम हार्डवर्क कर रहा होता तो शायद वो अपने डिपार्टमेंट में भी नहीं जाता, फिर हम वहाँ लूज कर दिए होते। ये शूट शूट इतना स्मूथ बना है इसका, यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इससे जुड़े हुए हर एक इंसान ने, और आई एम नॉट इवन ब्रैगिंग कि वो नहीं सोते थे रात में ढंग से और अगले दिन उतने ही फ्रेश मिलते थे सब, विच इज़ अ अचीवमेंट आई गेस। थैंक यू सो मच।